बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू अलबदर स्कूल सेकेंडरी बॉयज़ गार्डन ईस्ट कैंपस। आई एम योर टीचर हाफिज़ उमर फ़ारूक एंड टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट ई लर्निंग लेक्चर एंड आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। बिफोर वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर वी टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न। Our paper pattern has three sections: section A, section B, and section C. Section A में हमारे पास multiple choice questions का ये section है। इसमें 17 MCQs होते हैं और हर MCQs के जो है वो आपके पास 71 marks हैं। ये MCQs पूरी book से पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो next section है वो है section B, short questions answers का। ये सेक्शन जो है वो 40 मार्क्स का है। इस सेक्शन में आपके पास 15 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स, रीजंस, केमिकल फार्मूले, न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस, वन वर्ड रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस, वर्डिंग इक्वेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इस सेक्शन में आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपके पास डिटेल क्वेश्चन आंसर हैं। इस सेक्शन में आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं और आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन के 14 मार्क्स हैं। इस सेक्शन में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स और केमिकल प्रोसेस जो पूरी बुक में है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, ये सारे इस सेक्शन में शामिल होते हैं। पेपर पैटर्न को डिस्कस करने के बाद अब हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। लास्ट 6, 7, 8 में आपने इंटरनेशनल ओवर सेकेंडरी साइंस की बुक पढ़ी, जिसमें आपके पास केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन होते थे, कुछ फिज़िक्स के पोर्शन होते थे और कुछ बायोलॉजी के होते थे। तो स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ डेफिनेशन, कोई नो हाउ है आप लोगों को? यस, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डील करते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या खसूसियात हैं, कॉम्पोजिशन, उसकी बनावट कैसी है, स्ट्रक्चर और वो दिखता कैसे है या उसकी क्या कहते हैं साख्त कैसी है। अच्छा जी, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, जो पहली ही डेफिनेशन की जो पहली लाइन है जिसमें आपने पढ़ा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इसका मतलब ये कि साइंस की और भी ब्रांचेज है। जी हाँ स्टूडेंट्स, साइंस की और भी ब्रांचेज है जिसमें आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैटर की, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन और उसके स्ट्रक्चर को हम डील करते हैं केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट बताइए, व्हाट इज मैटर एंड हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि मैटर क्या है और उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 6, 7, 8 में, कि मैटर क्या होता है और उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। सो मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसे मैटर कहते हैं। और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द फोर्थ स्टेट इज़ प्लाज्मा एंड वी विल डिस्कस इट लेटर। क्लास 9th में हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 में केमिकल बॉन्डिंग में इसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे। जो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, जो आयनिक फॉर्म में होती है। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताइए कि ये सारी की सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, मैटर से। तो मैटर कैसे कंपोज्ड हुआ, हाउ मैटर इज़ फॉर्म्ड। क्या आपको पता है हाउ मैटर इज़ फॉर्म, मैटर किस तरीके से कंपोज हुआ। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में अब आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा
कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो कि स्टेट है लिक्विड, मैटर की एक स्टेट है लिक्विड, जिसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल की। वाटर के मॉलिक्यूल में दो आपके पास एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है। अब एलिमेंट्स किससे कंपोज होते हैं? वो एटम से कंपोज होते हैं। एटम के भी तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, डेट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको इधर शो कराऊं कि ये जो शेल्स हैं एटम के गिर्द, इसमें जो आपके पास ग्रीन कलर की जो है वो शेप में जो नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। और जो ये आपके सेंटर में है, जो एटम के जो न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो कंपोज्ड होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दो फंडामेंटल पार्टिकल से कंपोज्ड होते हैं। प्रोटॉन जो है वो जिस फंडामेंटल पार्टिकल से कंपोज होता है वो है क्वार्क्स। इसमें भी दो टाइप होती हैं, एक अप टाइप और एक डाउन टाइप। और न्यूट्रॉन भी जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल से जो है वो कंपोज होता है, जो है ग्लियोन। इसके ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब जो है वो कंबाइन होते हैं और उसके बाद एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको जो है वो अंदाज़ा हो चुका होगा कि हाउ मैटर इज़ फॉर्म और अल्लाह ताला ने किस तरीके से जो है वो दुनिया की तख्लीक करी, मैटर की तख्लीक करी। मैटर में आपके पास उसकी स्टेट्स हैं तीन, उन तीन स्टेट्स में भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और फिर जो है वो क्या कहते हैं कंबाइन होते हैं और फिर कोई मॉलिक्यूल या फिर जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं? वो एटम से मिलके होते हैं। एटम में भी तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन फंडामेंटल पार्टिकल्स में भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिससे वो कंपोज होते हैं। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस तरीके से अल्लाह पाक ने जो है वो पूरी दुनिया की तख्लीक करी। और नेक्स्ट, तो ये इस इसमें जो है वो मैं आपको ये एक स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें आप ये देख सकते हैं कि एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि कंपोज्ड होता है लेप्टॉन से, न्यूट्रॉन जो कि कंपोज्ड होता है ग्लियोन से, तस्वीर में आप देख चुके थे, और थर्ड वन इज़ प्रोटॉन। प्रोटॉन कंपोज होता है क्वार्क से। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मैटर क्या है, मैटर की स्टेट्स, मैटर किस तरीके से कंपोज हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको जो है विजुलाइज करके अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ मैटर, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड हाउ मैटर इज़ कंपोज्ड और फॉर्म्ड। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। अब हम जो है वो इस अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो हम केमिस्ट्री की ब्रांचेज के बारे में आपको बताएंगे। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट द मेन नाइन ब्रांचेज आर
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ तक आज हम अपनी क्लास को जो है वो वाइंड अप करते हैं और आपको जो है वो कुछ होम असाइनमेंट मैं सेंड कर दूंगा, जिससे जो है वो आप लोग जो है वो अपना जो होमवर्क है वो करेंगे। होमवर्क आप लोग जो है वो उसको नोट कर लें, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के नेम, ये सारी मैटर की डेफिनेशन, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ मैटर इज़ कम्पोज फ्लो चार्ट की शक्ल में, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है और उसके बाद जो है वो फिर 15 दिन के बाद आपको अपनी कॉपी जो है वो स्कूल में सबमिट करवा देनी है। ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।